तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं MHSRB लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल हेल्थ सर्विस के तरफ से एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेडिकल हेल्थ सर्विस की तरफ से यह वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों। तेलंगाना का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन तेलंगाना के लिए रहने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं 21 सितंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और 5 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8 अक्टूबर के बीच आप फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। 10 नवंबर 2024 को इसका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाती है, SC ST BC EWS PH ESM यानी कि एक सर्विसमैन तेलंगाना, यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपये में आवेदन कर सकते हैं। ऑल अदर कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपये में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं PF, यहाँ पे थ्रो पेमेंट मोड यानी कि आपको ऑनलाइन करना होगा। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 46 वर्ष होनी चाहिए। 1/7/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। टोटल 1284 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अपनी जानकारी दिया गया है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड यहाँ पे पूरी जानकारी मेंशन किया गया, इसमें कौन कौन सी कोर्स होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया, पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्वायरमेंट यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल हेल्थ का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले से किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन वाले पेज खोलना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चर फिल कर यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप न्यू कैंडिडेट है पहली बार इस साइट के माध्यम से आवेदन करें तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक पेज हम खोल कर रखे, इसमें फर्स्ट नेम डालना होगा। तो सिंपली अपना फर्स्ट नेम इसमें यहाँ पे लिखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम लिखना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लास्ट नेम यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए, ईमेल आईडी यहाँ पे फुल ईमेल आईडी gmail.com तक लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाला गया है, जो इसे लिखना होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार है उसी प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसे यहाँ पे OTP को डालना होगा दोस्तों। OTP डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही OTP फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अगले पेज खोल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पोस्ट का प्रिफ्रेंस देना होगा दोस्तों, डिपार्टमेंट का प्रिफ्रेंस देना होगा। तो सिंपली आप जिस पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट को प्रीफरेंस देना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे प्रीफरेंस दे सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सभी प्रीफरेंस देने के बाद सेव इन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव इन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फर्स्ट नेम शो कीजिएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम मदर्स नेम यहाँ पे डालना होगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको शो कीजिएगा। आपको जेंडर बताना होगा, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखिए, सिंपली जो भी आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। हम डेमो के लिए फॉर्म भरे तो हम कुछ भी लिख देते हैं। आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज दोनों अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जनरल से आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी अदर कैटेगरी से कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। सिंपली यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो याद कीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी देना होगा। किस प्रकार का दिव्यांग है आपको बताना होगा। दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विस मैन है तो याद कीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी को प्रोवाइड करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे नहीं, सिंपली नो पर क्लिक कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट का रेगुलर यहाँ पे सर्विस है तो याद नहीं, तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से सभी को यहाँ पे याद या नो पर टिक करना होगा। आपके पास यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट है, वर्कर है आप यहाँ पे, तो यस नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो जानकारी मांगा जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पासपोर्ट पर्सन है तो हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो पर रहने दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यस या नो कर सकते हैं, यस करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको इसे रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली कैलेंडर पर क्लिक कर सबसे पहले डे मंथ ईयर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डेमो के लिए फॉर्म भरें तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, आप अपने एक्चुअल डेट को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दसवीं का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, एज प्रूफ के लिए दसवीं का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली जहाँ भी आपका फाइल अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा, इस लाइन में फुल एड्रेस को लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे सभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखने के बाद आपको सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करना होगा, तो एक एक कर यहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लास के एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया, सिंपली यहाँ पे जानकारी मांगा गया तो आप किस यूनिवर्सिटी में से पास किए हैं, बोर्ड से पास किए हैं, यहाँ पे किस किस वर्ष पास किए हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी को फिल करना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर यहाँ पे स्टडी बताना होगा, सिंपली डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं विलोज, तो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे सभी जानकारी को प्रोवाइड करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा, उसे विलेज का नाम लिखिए, सिटी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद कौन से स्कूल से यहाँ पे पास किए हैं सिंपली यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी का यहाँ पे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा दोस्तों, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप जानकारी देना है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो सिंपली चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी जानकारी को आपको एक एक कर फिल करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सभी जानकारी को आप फिल कर सिंपली आपको नीचे आना होगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं, जोन का प्रेफरेंस देने के बाद आपको सिंपली सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करें उसके अनुसार आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए यहाँ पे लिखना होगा, सिंपली पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं मैं लिखना होगा, किस कॉलेज से पास किए हैं कॉलेज का नाम लिखिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिग्री का ईयर बताना होगा यानी कि पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों, सिंपली चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर मार्कशीट अपलोड कीजिए, पीडीएफ में होनी चाहिए, 2 MB से कम साइज में होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिग्री का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डेमो के लिए फॉर्म भरे तो हम कुछ भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जैसे ही सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जानकारी मांगा जा रहा है। तो सिंपली अगर आप प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना काउंसिलिंग से आए तो यस यहाँ पे जानकारी दीजिए, होनी चाहिए दोस्तों, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ लास्ट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डेट ऑफ बताना होगा, सिंपली बताइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों यहाँ पे अपलोड करना होगा, सिंपली चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर देख सकते हैं वर्कर है यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट का, तो आपको यस करना होगा, और नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जैसे ही सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, साइज यहाँ पे मेंशन किया गया 500 KB से कम साइज में होनी चाहिए दोस्तों, JPG या PNG फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए, तो सिंपली ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, यहाँ पे 500 KB से कम साइज में होनी चाहिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर दोनों फोटो सिग्नेचर का साइज में दोनों सेम है दोस्तों, चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फोटो को अपलोड करना होगा। सिंपली डेमो के यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो हमको एक फोटो अपलोड कर देते हैं, आप अपने एक्चुअल फोटो को अपलोड कीजिएगा, उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एग्जाम का प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, तो एग्जाम सिटी का आपको प्रेफरेंस देना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पे चूज कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग चुन करना होगा दोस्तों दोनों को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप करंट में इम्प्लॉई हैं
यहाँ पे स्टेट कर दिया, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं, अनएम्प्लॉय कर दीजिए। उसके बाद आपके कैटेगरी के ऊपर कितना पेमेंट लागू होता है ये दिखाया जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सीधे नीचे आना होगा और यहाँ पे कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर ओके करना होगा। जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, तो जिस भी आप माध्यम के सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे हार्ड कॉपी में निकाल कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।